स्वागत है आप सभी का पेपर हैकर में। मैं खुशी आज आपको बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के साइकोलॉजी के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस बताऊंगी। जो यूनिट हमारी फिफ्थ है और चैप्टर नंबर 8 रहेगा और चैप्टर का नेम है वैज्ञानिक उपागम, लक्ष्य और कार्य। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है? क्वेश्चन ने कहा मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि मनोविज्ञान की यानी कि साइकोलॉजी की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यवहार का विज्ञान। सर्वोत्तम परिभाषा क्या है? व्यवहार का विज्ञान मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, मनोविज्ञान किसके व्यवहार का अध्ययन करता है? क्वेश्चन ने हमसे कहा मनोविज्ञान किसके व्यवहार का अध्ययन करता है, यानी कि मनोविज्ञान जो है वो किसके व्यवहार का अध्ययन करता है, जानवरों के या फिर इंसानों के व्यवहार का, तो या फिर किसी के भी व्यवहार का अध्ययन नहीं करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवित प्राणियों के किसके व्यवहार का अध्ययन करता है, जीवित प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करता है। कौन करता है? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान जीवित प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा है मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है, मतलब कैसा विज्ञान है वो। तो यहाँ राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा कि कैसा विज्ञान है वो, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विधायक। किस प्रकार का विज्ञान है वो? विधायक प्रकार का विज्ञान है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, साइकोलॉजी नामक शब्द में साइकी का अर्थ है। क्वेश्चन ने यहाँ कहा साइकोलॉजी नामक शब्द में साइकी का अर्थ है, यानी कि साइकोलॉजी जो वर्ड है उसमें साइकी का अर्थ क्या होता है, साइकी का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होगा इसका, यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आत्मा। इसका साइकोलॉजी का जो वर्ड है साइकी, उसका क्या राइट ऑप्शन क्या सही है, मतलब उसका अर्थ क्या होता है? आत्मा। इसका अर्थ होता है, साइकी का अर्थ होता है आत्मा। ठीक है, तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, विज्ञान की कसौटियां कौन सी हैं? यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा विज्ञान की कसौटियां कौन सी हैं। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। तो जितने भी ऑप्शंस हमें यहाँ पे दिए हुए हैं वो सारे के सारे किसकी कसौटियां हैं? विज्ञान की कसौटियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अब क्वेश्चन 6 है, मनोविज्ञान शब्द की रचना की है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा मनोविज्ञान शब्द की रचना की है, यानी कि किसने की है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, तो अब यहाँ पे हमें पता करना है कि इस शब्द की रचना किसने की थी, यानी कि साइकोलॉजी शब्द जो बना था उसकी रचना किसने की थी। तो यहाँ तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेलंग खान ने की थी। किसने की थी? मेलंग खान ने की थी। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनोविज्ञान से संबंधित विस्तृत क्षेत्र एवं मनोविज्ञान में दार्शनिक अंतरों दोनों के कारण मनोविज्ञान को परिभाषित करना सरलकार नहीं है, यह कथन है। यहाँ पे पूछा मनोविज्ञान से संबंधित विस्तृत क्षेत्र एवं मनोविज्ञान में दार्शनिक अंतरों के दोनों के कारण मनोविज्ञान को परिभाषित करना सरल कार्य नहीं है, यह कथन है। यह कथन किसका है? यहाँ पे हमें ये बताना है कि यह किसने बोला है, किसने कहा था यह कथन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मार्गन किंग एवं रॉबिन्सन ने कहा था। किसने कहा था ये? मार्गन किंग और रॉबिन्सन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन 8 है, मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना की अवस्थाओं का वर्णन एवं व्याख्या के रूप में की जा सकती है, यह कथन है। अब यहाँ पे पूछा है मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना की अवस्थाओं का वर्णन एवं व्याख्या
के रूप में की जा सकती है, यह कथन है। यहाँ पे फिर से वही बात की गई है, यह कथन किसने कहा है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैकडूगल ने। किसने कहा था, मैकडूगल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, मनोविज्ञान शोध की शुरुआत होती है। यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा मनोविज्ञान शोध की शुरुआत होती है, किससे होती है मनोविज्ञान शोध की शुरुआत। तो यहाँ पे क्या राइट ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किसी समस्या से। मनोविज्ञान की शुरुआत किससे होती है, किसी समस्या से मनोविज्ञान की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है मनोविज्ञान जीवित प्राणियों के व्यवहार का विधायक विज्ञान है, यह किसने कहा है। क्वेश्चन ने कहा मनोविज्ञान जीवित प्राणियों के व्यवहार का विधायक विज्ञान है, यह किसने कहा है। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा कि मनोविज्ञान जीवित प्राणियों के व्यवहार का विज्ञान है, तो यह किसने कहा है। यहाँ पर भी वही बात की गई है कि यह कथन किसने कहा है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैकडूगल ने। किसने कहा है, मैकडूगल ने कहा है कि मनोविज्ञान जीवित प्राणियों के व्यवहार का विधायक है, विधायक विज्ञान है। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, यह कथन है। यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, यह कथन है। तो यह कथन किसने कहा है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा कि किसने कहा है ये कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, यानी कि बिहेवियर का और किसका, एक्सपीरियंस का। तो किसने कहा है, ये कहा है लैंड्समैन ने। किसने कहा है, लैंड्समैन ने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। किसने बोला है, लैंड्समैन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, वैज्ञानिक शोध की कई विशेषताएं होती हैं, निम्नांकित में से किसे इन विशेषताओं की सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे पूछा है वैज्ञानिक शोध की कई विशेषताएं होती हैं, इनमें से किसे इन विशेषताओं में, विशेषताओं की सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे पूछा है शामिल नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या राइट ऑप्शन रहेगा, यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा कि किसको शामिल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह ज्ञानोमुखी होता है। किसको शामिल नहीं कर सकते, ऑप्शन डी को, यह ज्ञानोमुखी होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, वैज्ञानिक विधि की कुछ विशेषताएं होती हैं, निम्नांकित में से इसकी विशेषता के रूप में, किसे इसकी विशेषता के रूप में समझा जा सकता है। क्या पूछा है यहाँ पे, वैज्ञानिक विधि की कुछ विशेषताएं होती हैं, निम्नांकित में से किसे इसकी विशेषता के रूप में समझा जाएगा। पहले कहा था इन्हें शामिल नहीं किया जा सकता, यहाँ पे पूछा है किसे समझा जाएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, यहाँ राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं, किसी को भी इसमें नहीं समझा जाएगा। वैज्ञानिक विधि की विशेषता को इन सब में से किसी को भी नहीं समझा जाएगा। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 14 है पुरस्कार से सीखने की प्रक्रिया तेजी से होती है, जैसे कथन को आप निम्नांकित में से किस श्रेणी में रखेंगे। यहाँ पे पूछा है पुरस्कार से सीखने की प्रक्रिया तेजी से होती है, ऐसे कथन को आप निम्नांकित में से किस श्रेणी में रखेंगे। तो हम ऐसे कथन जो पुरस्कार से सीखने की प्रक्रिया तेज होती है, तो ऐसे कथन को कौन सी श्रेणी में रखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए सही आंसर, यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक शोध प्राक कल्पना में, कौन सी श्रेणी में रखा जाएगा, एक शोध प्राक कल्पना में रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे अब, मनोवैज्ञानिक मापनी है। अब यहाँ पे पूछा गया है मनोवैज्ञानिक मापनी में क्या होता है, मतलब मनोवैज्ञानिक मापनी क्या होती है। तो यहाँ पे क्या क्या मतलब क्वेश्चन ने पूछा है कि मनोवैज्ञानिक मापनी क्या होती है।
तो मनोवैज्ञानिक मापनी का कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए, यानी कि मनोवैज्ञानिक गुणों को मापा जाता है। मनोवैज्ञानिक मापनी का कार्य होता है मनोवैज्ञानिक गुणों को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। विज्ञान का शुभारंभ होता है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ने किया है विज्ञान का शुभारंभ होता है, किससे विज्ञान का शुभारंभ होता है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए हमारा? यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रेषण से। किससे शुभारंभ होता है विज्ञान का? प्रेषण से विज्ञान का शुभारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। समस्या के लिए प्रस्तावित उत्तर को कहा जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा समस्या के लिए प्रस्तावित उत्तर को कहा जाता है, यानी कि समस्या के लिए जो प्रस्तावित उत्तर होता है उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परिकल्पना। जो समस्या के लिए प्रस्तावित, यानी कि जो प्रस्ताव रखा जाता है, जो आंसर दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? परिकल्पना। क्या कहते हैं? परिकल्पना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। प्रश्न जिसका उत्तर नहीं मिलता है उसे कहते हैं, यानी कि जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न जिसका उत्तर नहीं मिलता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समस्या। जिसका जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है उसको क्या कहते हैं? समस्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। नियंत्रित परिस्थितियों में अध्ययन कहा जाता है, मतलब नियंत्रित परिस्थितियों में अध्ययन कहा जाता है, उस अध्ययन को क्या कहेंगे? तो यहाँ पे नियंत्रित स्थिति में अध्ययन को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं प्रयोग, यानी कि जिसपे नियंत्रण किया जाता है, नियंत्रित परिस्थिति चल हो तो उसमें उसको अध्ययन को क्या कहते हैं? प्रयोग कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, मनोविज्ञान को विज्ञान कहलाने में किस कारक का योगदान सर्वाधिक है? यानी कि क्वेश्चन ने कहा है मनोविज्ञान को विज्ञान कहलाने में किस कारक का योगदान सर्वाधिक है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इन सभी कारकों का, यानी कि जो भी हमें ऑप्शंस दिए हैं, वस्तुनिष्ठता, क्रमबद्ध अध्ययन, नियंत्रित प्रयोग, यानी कि इन सभी कारकों का योगदान सर्वाधिक है, सभी का योगदान सर्वाधिक है। आगे देखेंगे, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 9 आ जाता है। तो चैप्टर का नेम है अनुसंधान विधियां एवं प्रकार। तो क्वेश्चन नंबर इसका पहला देखेंगे, और यूनिट हमारी ये भी 50 रहेगी, और चैप्टर का नेम है अनुसंधान विधियां एवं प्रकार। क्वेश्चन इसका पहला है, नियंत्रित परिस्थितियों में किए गए निरीक्षण को किस विधि के नाम से जानते हैं? यहाँ पे पूछा है नियंत्रित परिस्थितियों में किए गए निरीक्षण को किस विधि के नाम से जानते हैं? पहले पूछा गया था, पहले हमसे कहा गया था कि नियंत्रित परिस्थिति में किए गए अध्ययन को क्या कहते हैं, अब यहाँ पूछा गया है निरीक्षण को किस विधि के नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रयोगात्मक विधि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रयोगात्मक विधि के नाम से जानते हैं। नियंत्रित परिस्थिति में किए गए निरीक्षण को प्रयोगात्मक विधि के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला सर्वप्रथम किसने स्थापित की थी? अब यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला सर्वप्रथम किसने स्थापित की थी? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? यहाँ राइट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वुंट ने। किसने की थी? मनोवैज्ञानिक की सबसे पहले जो प्रयोगशाला थी, यानी कि जो लैब थी, वो वुंट ने स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 3 है, मनोविज्ञान की प्रथम पाठशाला सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की गई थी? अब यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा मनोविज्ञान की प्रथम पाठशाला सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की गई थी? पहले कहा गया था कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी, अब कहा गया है कि प्रथम पाठशाला कहाँ स्थापित की गई थी। तो यहाँ पे क्या राइट ऑप्शन होगा? यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लीप सिंह। कहाँ स्थापित की गई थी? लीप सिंह में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है,
वुंड ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना कब की थी? अब यहाँ पे कहा है, वुंड ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना कब की थी, यानी कि कौन सी सन में की थी? तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? यहाँ राइट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1879 में। कब की थी वुंड ने पहली प्रयोगशाला की स्थापना? 1879 में की थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। जब व्यक्ति अपनी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन स्वयं करता है तो यह कहलाती है। अब इसमें क्या कहा गया है? जब व्यक्ति अपनी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन स्वयं करता है तो यह क्या कहलाती है? जब व्यक्ति अपनी मतलब जो मानसिक क्रियाएं हैं उसका अध्ययन खुद ही करता है तो उस मतलब उसको क्या कहते हैं? उस विधि को कहते हैं अंतःदर्शन विधि, अंतर्दर्शन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अंतर्दर्शन विधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनोविज्ञान के प्रयोगों में समय के मापन के लिए सबसे अधिक किस यंत्र का मापन करते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा हमसे, मनोविज्ञान के प्रयोगों में समय के मापन के लिए सबसे अधिक किस यंत्र का मापन करते हैं? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विराम घड़ी। किसका माप किसका योग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? विराम घड़ी का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। व्यवहारवाद की स्थापना किसने की थी? अब यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा है व्यवहारवाद की स्थापना किसने की थी? व्यवहारवाद की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? व्यवहारवाद की स्थापना की थी वॉटसन ने, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट है। किसने की थी? व्यवहारवाद की स्थापना की थी वॉटसन ने। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। मनोविज्ञान व्यवहार की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करता है। तो ये मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा मनोविज्ञान व्यवहार की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करता है तो यह कथन कैसा होगा? तो यहाँ पे यह कथन कैसा होगा? ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सत्य। ये कथन कैसा है? सत्य है, इस कथन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अब भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस विश्वविद्यालय में खोला गया था? अब यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा है भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस विश्वविद्यालय में खोला गया था, मतलब कौन से विश्वविद्यालय में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली गई थी? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ राइट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कलकत्ता विश्वविद्यालय। इसमें खोला गया था कलकत्ता विश्वविद्यालय में भारत का पहला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वाभाविक परिवेश में घटित होने वाले व्यवहार का निरीक्षण करना कहलाता है। मतलब क्वेश्चन ने क्या कहा? स्वाभाविक परिवेश में घटित होने वाला व्यवहार का निरीक्षण करना कहलाता है। क्या कहलाता है वो? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए हम कि मतलब स्वाभाविक परिवेश में घटित होने वाले व्यवहार का निरीक्षण करना क्या कहलाता है? तो यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रेषण विधि। क्या कहलाता है? प्रेषण कहलाता है। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक ऐसी प्रविधि है जिसमें स्वतंत्र परिवर्त्य को प्रयुक्त करके आश्रित परिवर्त्य पर उसके प्रभाव का प्रेषण करके कारण तथा प्रभाव संबंध की खोज की जाती है, यह विधि है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या कहा? एक ऐसी प्रविधि है जिसमें स्वतंत्र परिवर्त्य को प्रयुक्त करके आश्रित परिवर्त्य पर उसके प्रभाव को प्रेषण करके कारण तथा प्रभाव संबंध की खोज की जाती है, यह विधि है। यह विधि कौन सी है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? यहाँ राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रायोगिक विधि। कौन सी विधि है ये? प्रायोगिक विधि है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, कक्षा में छात्र को किसी मनोवैज्ञानिक समस्या का समाधान करने के लिए यदि कोई मनोवैज्ञानिक कुछ विशेष नियमों का उपयोग करता है तो उनके शोध को क्या कहा जाएगा? मतलब क्या कहा गया क्वेश्चन में? कक्षा में छात्र को किसी मनोवैज्ञानिक समस्या का समाधान करने के लिए यदि कोई मनोवैज्ञानिक
कुछ विशेष नियमों का उपयोग करता है तो उनके शोध को क्या कहा जाएगा? तो उनके शोध को क्या कहेंगे? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शैक्षिक शोध, क्योंकि एजुकेशन शोध शोध कहा जाएगा कि वो एजुकेशन की यहाँ पे बात हुई है, तो कौन सा शोध होगा? शैक्षिक शोध यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन 13 है, प्रयोगात्मक शोध किसे कहते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा प्रयोगात्मक शोध किसे कहते हैं, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? यहाँ राइट ऑप्शन हमारा, क्योंकि प्रयोगात्मक शोध किसे कहते हैं, ऑप्शन डी, यानी कि जिसमें उपयुक्त तीनों गुण सम्मिलित हों। यहाँ पे जो भी हमें तीनों ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे गुण होने चाहिए, जिसमें प्रयोगकर्ता स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ करता हो, जिसमें स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर के बीच कारण परिणाम संबंध स्थापित करना संभव हो, जिसमें परिस्थिति नियंत्रित होती हो, यानी कि तीनों गुण सम्मिलित हों तो प्रयोगात्मक शोध, इसे क्या कहेंगे? प्रयोगात्मक शोध कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब यहाँ पे बात की गई है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यहाँ पे बात की गई कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? अब यहाँ राइट ऑप्शन होगा हमारा, यहाँ होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वैज्ञानिक शोध में कारण परिणाम संबंध की पुष्टि हमेशा होती है, मतलब वैज्ञानिक शोध में कारण परिणाम संबंध की पुष्टि हमेशा होती है, तो कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, निम्नांकित में से असत्य कथन बताइए, यानी कि इनमें से असत्य कथन कौन सा है? निम्नांकित में से असत्य कथन बताइए। अब यहाँ पे फिर वही बात की गई है कि कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रयोगात्मक शोध के लिए एक प्रयोगशाला का होना अनिवार्य है। यह कथन कैसा है? यह कथन गलत है। यह कथन कैसा है? असत्य है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 16 है, मनोवैज्ञानिक शोध में यदि समस्या से संबंध साहित्य की समीक्षा ना की जाए तो क्या होगा? क्वेश्चन ने कहा मनोवैज्ञानिक शोध में यदि समस्या से संबंध साहित्य की समीक्षा ना की जाए तो क्या होगा? अगर समस्या से संबंध साहित्य की समीक्षा ना की जाए तो क्या होगा? तो यहाँ पे क्या सही होना चाहिए? यहाँ हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अध्ययन की साधकर्ता समाप्त हो जाएगी। क्या होगा? अध्ययन की साधकर्ता समाप्त हो जाएगी अगर क्या क्या किया जाए, मनोवैज्ञानिक शोध में यदि समस्या से संबंध साहित्य की समीक्षा ना की जाए तो अध्ययन की साधकर्ता समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक शोधकर्ता ने समूह के व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए एक ऐसी वस्तुनिष्ठ विधि अपनाई जिसमें उसने समूह के सभी सदस्यों से समान कठिनाई स्तर के प्रश्न को समान ढंग से पूछा, यह कथन उदाहरण है। मतलब क्या किया उसने यहाँ पे किया, एक शोधकर्ता ने समूह के व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए एक ऐसी वस्तुनिष्ठ विधि अपनाई, एक ऐसी वस्तुनिष्ठ विधि अपनाई जिसमें उसने समूह के सभी सदस्यों से समान कठिनाई स्तर के प्रश्न को समान ढंग से पूछा, यह कथन उदाहरण है। मतलब यह कथन किस चीज का उदाहरण है? तो यहाँ पे सही क्या होना चाहिए? यहाँ पे हमारा सही होगा ऑप्शन ए, यानी कि नियंत्रित प्रेषण का। किसका सही उदाहरण है ये कथन, किस चीज का उदाहरण? नियंत्रित प्रेषण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे अब। वर्णनात्मक शोध की कई विशेषताएं होती हैं, निम्नांकित में से किसी इन विशेषताओं में नहीं रखा जा सकता है। मतलब यहाँ पे क्या कहा है, वर्णनात्मक शोध की कई विशेषताएं होती हैं, निम्नांकित में से किसे इन विशेषताओं में नहीं रखा जा सकता है, मतलब किसे इन विशेषताओं में नहीं रखा जाएगा, तो यहाँ पे सही क्या होना चाहिए? यहाँ पे सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर 18, यानी कि इसमें चरों में जोड़ तोड़ करके उसके पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? चरों में जोड़ तोड़ करके उसके पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है,
एक प्रयोग में उम्र का सीखने की क्षमता पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया गया। इसमें उम्र है। अब क्या किया गया, एक प्रयोग में उम्र का सीखने की क्षमता पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया गया इसमें उम्र है। इसमें उम्र क्या है, तो यहाँ पे कहीं क्या सही होगा हमारा, यहाँ पे सही होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आश्रित चर। क्या है उम्र, यहाँ पे क्या है, आश्रित चर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन 20 है, मान लिया जाए कि किसी शोधकर्ता के पास कम समय है जिसमें वह अपने कुछ प्रतिदर्श की मनोवृत्ति की जांच करना चाहता है। उसे परिवार नियोजन के प्रति प्रतिदर्श की मनोवृत्ति की जांच करनी है। इसके लिए सबसे उत्तम तरीका उसके पास क्या होगा। अब यहाँ क्वेश्चन ने क्या कहा हमसे, क्वेश्चन ने कहा मान लिया जाए कि किसी शोधकर्ता के पास कम समय है जिसमें वह अपने गुच्छ प्रतिदर्श की मनोवृत्ति की जांच करना चाहता है। उससे परिवार नियोजन के प्रति प्रतिदर्श की मनोवृत्ति की जांच करनी है। इसके लिए सबसे उत्तम तरीका उसके पास क्या होगा, मतलब उसके पास सबसे अच्छा तरीका इसमें इसमें क्या होगा। तो यहाँ क्या सही होगा, यहाँ होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि डाक प्रश्नावली। सबसे अच्छा तरीका उसके पास क्या होगा, डाक प्रश्नावली का सबसे अच्छा तरीका उसके पास होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, मनोवैज्ञानिक शोधों में निम्नांकित तथ्यों को महत्वपूर्ण माना गया है। अब यहाँ पे क्या कहा है, मनोवैज्ञानिक शोधों में निम्नांकित तथ्यों को महत्वपूर्ण माना गया है। कौन से तथ्य को महत्वपूर्ण माना गया है, तो यहाँ क्या सही होगा, यहाँ राइट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन ए यानी कि प्राक कल्पना को, नहीं ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, महत्वपूर्ण माना गया है। तो अब क्वेश्चन आगे देखेंगे हम इसका, तो इन तथ्यों को शोध संचालन की प्रवणता के ख्याल से सुव्यवस्थित करें तथा निम्नांकित कूटों के आधार पर उत्तर दें। तो यहाँ पे हमारा सही क्या होगा, क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे, मनोवैज्ञानिक शोधों में निम्नांकित तथ्यों को महत्वपूर्ण माना गया है। अब यहाँ पे क्या है, प्राकल्पना, विचार, ऑप्शन सी समस्या, ऑप्शन डी परिणाम। आधा क्वेश्चन है, इन तथ्यों के शोध संचालन की प्रवणता के ख्याल से सुव्यवस्थित करें तथा निम्नांकित कूटों के आधार पर उत्तर दें। यहाँ क्या किया गया, मनोवैज्ञानिक शोधों में निम्नांकित तथ्यों को महत्वपूर्ण माना गया, उसमें से क्या सही है, ये सही है, ये सही होगा, ये ऑप्शन दिए गए हैं, प्राकल्पना, चर, समस्या, परिणाम। इन तथ्यों के शोध संचालन की प्रवणता के ख्याल से सुव्यवस्थित करें तथा निम्नांकित कूटों के आधार पर उत्तर दें, यानी कि इनमें से किसी कौन सा सही होगा। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ होगा ऑप्शन ए सही, सी बी ए तथा डी। क्या सही है, यहाँ पे सी बी ए तथा डी चारों ही सही है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, कोई प्रयोगकर्ता ने पढ़ने की क्षमता पर रोशनी के स्तर को प्रभाव देखने के लिए एक प्रयोग किया। इसमें इन्होंने दो अवस्थाओं में प्रयोज्यों की पठन क्षमता का प्रेषण किया गया किया एक अवस्था में रोशनी का स्तर पर्याप्त था तथा दूसरी अवस्था में रोशनी का स्तर धीमा था। इन दोनों अवस्थाओं के प्रयोज्य उम्र तथा बुद्धि पर सम्मिलित थे। इस प्रयोग में व्यवहत चरों तथा उनके नाम नीचे दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमें क्या, व्यवहत चरों तथा उनके नाम नीचे दिए जा रहे हैं, अब इसके चरों के नीचे जा रहे हैं। अब चर कौन कौन से, स्वतंत्र चर, बुद्धि, आश्रित चर, पठन क्षमता, नियंत्रित चर, रोशनी का स्तर या फिर उक्त। अब इसमें से हमें, अब यहाँ पे अब आगे देखेंगे, चर तथा वस्तुओं या फिर घटनाओं के नाम के सही सम्मेलन को बतलाएं। अब इसमें से सही सम्मेलन कौन सा है, या फिर चर तथा वस्तुओं के नाम का सही सम्मेलन कौन सा होगा, तो यहाँ पे सही क्या है, ऑप्शन ए यानी कि सी तथा ए एक सही है। अब सी कौन सा है, नियंत्रित चर और बुद्धि। यहाँ पे क्या सही है, नियंत्रित चर और बुद्धि हमारा सही है। कौन सा चर सही है, नियंत्रित चर और बुद्धि सही होगा। तो आई होप, मुझे लगता है शायद आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।